हेलो एवरीवन, राज पापा दी ढाबा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैगी मसाला कैसे बनाते हैं घर पे। मैगी तो बड़े आराम से आप 2 मिनट में पका लेते हो, मतलब 2 मिनट का ऐड आता है, बट पकने में एटलीस्ट 5 मिनट लगते हैं। बट उस मैगी को कैसे और टेस्टी बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और ये तरीका आप अगर यूज करेंगे तो आप मैगी से जो तैयार करते थे वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैगी मसाला कैसे बनाते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए 2 मैगी। ये मैंने प्लेन मैगी ली है। करीब 20 ग्राम 20 ग्राम बटर, 1 आनियन कटा हुआ अच्छे से छोटा छोटा, थोड़ा सा ग्रीन मटर ग्रीन पी, ये करीब 20-30 ग्राम है। 1 टोमेटो छोटा छोटा कटा हुआ, 1 हरी मिर्ची करीब, 1 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद के लिए। सबसे पहले आप मैगी को कुक करेंगे। मैगी को कुक करने के लिए आप करीब 2 मैगी के लिए करीब 203 कप पानी लेंगे। पानी को बॉयल होने देंगे। अब मेरा पानी बॉयल होने लगा है तो सबसे पहले मैं जो मैगी के साथ मैगी मसाला आता है उसको मैं डाल दूंगा। अब मैं मैगी के इसमें 1 मैगी के 4 टुकड़े करूँगा और इसमें मैं ऐड कर दूँगा। मैगी को हम करीब 2 से 5 मिनट कुक करेंगे जब तक कि मैगी पक न जाए। मैगी मसाला में कभी भी बाहर से मसाला मत डालें, धनिया जीरा काली मिर्च इस तरह का, क्योंकि ये मैगी का जो ओरिजिनल मसाला होता है उसके टेस्ट को दबा देगा और फिर आपको मज़ा नहीं आएगी। मैगी को बीच बीच में चलाते रहें जिससे वो नीचे से जलने न पाए, अदरवाइज टेस्ट खराब हो जाएगा। मेरी मैगी बनके तैयार हो गई है। इसको थोड़ा गीला ही मैं उतारूंगा क्योंकि बाद में ये जब फ्राई होगी तो इसका पानी अपने आप सूख जाएगा। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें जो मैंने 20 ग्राम बटर निकाला था उसमें से आधा बटर डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद, थोड़ा गर्म हो जाने के बाद, इसमें मैंने जो 1 आनियन कटा हुआ रखा था उसको मैं ऐड करूँगा और फ्राई करूँगा। ग्रीन चिली भी डाल दूँगा मैं। इसको थोड़ी देर आपको फ्राई करना है जब तक कि आनियन हल्का कुक ना हो जाए। इसको गोल्डन कलर में कन्वर्ट नहीं करना है, आनियन को जलाना नहीं, अदरवाइज टेस्ट खराब हो जाएगा। सब्जी के लिए गोल्डन करना होता है, बट मैगी के लिए आपको हल्का सा इसको बस कुक होने देना है। मेरा ऑनियन अब पक गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा टोमेटो को। इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा नमक। नमक इतना ही ऐड करना है कि ऑनियन साल्टी हो जाए, ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है और प्लस मैं चाट मसाला डालूंगा उसमें भी नमक होता है। इसमें हम जो हरी मटर लिए हैं उसको भी ऐड कर देंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मेरी हरी मटर हल्की सी पक न जाए। मैंने फ्रोज़न हरी मटर लिया है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हरी मटर आपकी पक जानी चाहिए। मेरी हरी मटर करीब 70% कुक हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसको ऑलमोस्ट मैं 30 सेकंड टू 1 मिनट और फ्राई करूँगा। अब मैंने जो बटर बचाया था उसका 1/2 बटर फिर से इसमें डाल दूँगा। अभी भी मैंने 1/4 बटर बचा के रखा। अभी मेरा फ्राई हो गया है, अब इसमें मैं जो मेरी मैगी कुक हुई थी उसको ऐड करूँगा। मैगी ने पानी को खींच लिया है तो मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अब इस पूरे को अच्छे से मिक्स करना है आपको।
जो आपने बटर बचा के रखा था उस पूरे बटर को इसमें डाल देंगे। मैंने बटर को स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाला जिससे बटर का टेस्ट बना रहे। आधा से एक चम्मच चाट मसाला इसके ऊपर से आप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको एक मिनट तक बस फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये मेरा मैगी मसाला बनके तैयार हो गया। इसको मैं अब सर्व करूँगा और टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कैसा बना हुआ है। तो देखा आप लोगों ने मैगी मसाला बनाना कितना ईजी है और कितना टेस्टी मैगी बनती, कितना अच्छा लुक आता है। एक बार तो आपको देख के ही मैगी से प्यार हो जाएगा और खाने के बाद तो आप बोलना मत कि प्यार कितने गुना बढ़ गया है। तो किरण अभी टेस्ट करेगी। इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी मेरे साथ है, मेरी बेटी अनिका भी मेरे साथ है। और किरण टेस्ट करो और बताओ मैगी कैसी है। बस एक चम्मच। बस लास्ट चम्मच। सो गुड, आई टोटली लव्ड इट। जो बटर है और जो आपने प्याज और सब कुछ डाला है बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैगी मैं भी कल खाई थी ना तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक्चुअली ये बहुत टेस्टी है, आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसी बन रही है आपके घर पे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नए डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।